स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम गजल इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे प्रश्न एक सूचना के अनुसार कृतिया कीजिए एक गजल की पंक्तियों का तात्पर्य एक नीव के अंदर दिखो उत्तर व्यक्ति को अपने अच्छे कर्म के बल पर अपनी पहचान स्वयं बनानी चाहिए दो आईना बनकर दिखो उत्तर विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को अपनी जीवन रूपी सूरत को हमेशा तरोताजा व प्रसन्न रखना चाहिए प्रश्न दो पूर्ण कीजिए मनुष्य से अपेक्षाएं उत्तर मील का पत्थर बनकर सभी के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करना चाहिए आदमी बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए प्रश्न तीन जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए एक भीड़ उत्तर गजलकार किसमें शक्ल ढूंढ रहा है दो जुगनू। उत्तर, रात में चमकने वाले एक कीट का गद्यांश में प्रयुक्त नाम लिखिए तितली उत्तर खिले हुए फूल पर किसके पर टूट जाते हैं चार आसमान उत्तर गर्द कहाँ पर फैल जाती है प्रश्न चार निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए एक आपको महसूस से भीतर दिखो तक उत्तर व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बेहद जरूरी है दो कोई ऐसी शक्ल से मुझे अक्सर दिखो तक उत्तर पर दुख कातरता एवं परोपकार से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं प्रश्न पाँच कृतिपूर्ण कीजिए गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक उत्तर फूल आसमान पत्थर जुगनू प्रश्न छः कवि के अनुसार ऐसे दिखो उत्तर मील का पत्थर बन के दिखो आदमी बनकर दिखो आईना बनकर दिखो मोम के भीतर धागे सा जलकर दिखो रोशनी बनकर दिखो अगला प्रश्न अभिव्यक्ति पर आधारित है प्रस्तुत गज़ल की अपनी पसंदीदा की नहीं चार पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए उत्तर एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते गर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो इन पंक्तियों में गजलकार कहते हैं जीवन में सभी को मर्यादा का पालन करना पड़ता है मर्यादा के बिना व्यक्ति विकास संभव नहीं है मोती अपने निर्मित काल में सिप के अंदर होता है वह भी मर्यादा का पालन करता है तब जाकर वह चमकीला व मूल्यवान होता है यदि व्यक्ति को भी अपने जीवन में सफलता की मंजिल हासिल करनी है तो उसे अपने जीवन में मर्यादा का पालन अवश्य करना पड़ता है व्यक्ति के पास सहनशीलता का भाव होना चाहिए अगला प्रश्न उपयोजित लेखन पर आधारित है यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए उत्तर हर इंसान का अपना एक आशियाना होता है वह अपने आशियाने को बहुत सुंदर तरीके से सजाता है सभी चाहते हैं कि उसका घर बहुत ही खूबसूरत एवं दूसरे से अनूठा हो इसीलिए इंसान प्रकृति की गोद में अपना एक फार्म हाउस भी तैयार करता है मैं खुद भी अपने आशियाने के बारे में सोचता हूँ सोचते सोचते अचानक मेरे मन में यह प्रश्न पैदा हुआ कि यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो बचपन से ही मुझे आसमान सितारे चाँद सूरज आदि का बहुत ही आकर्षण रहा है उन्हें देखकर मुझे खुशी का अनुभव होता है इसीलिए काश मेरा घर अंतरिक्ष में होता बहुत ही मज़ा आता तब मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता क्योंकि दुनिया के कुछ गिने चुने लोग ही अब तक अंतरिक्ष की सैर कर पाए हैं मैं भी बड़े मज़े से अंतरिक्ष की सैर करता वहाँ पर मुझे सारे अजीबोगरीब अनुभव होते वहाँ पर रहकर मैं कभी रो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर इंसान के आंसू कभी भी नीचे नहीं गिर सकते वहाँ का वातावरण अलग प्रकार का होता है अंतरिक्ष में जब हर दिन सूर्य के दर्शन करूँगा तो वह मुझे काला दिखाई देगा यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो मैं उल्का पिंड आकाशगंगा आदि को निकट से देखता उनके बारे में जानकारी हासिल करता अंतरिक्ष में रहकर मैं इस बात का अनुभव ले पाता कि दो धातु के टुकड़े एक दूसरे से स्पर्श हो जाने से वे स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं अंतरिक्ष में रहकर मैं नई नई खोज करता कैंसर जैसी भयानक बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए औषधि का निर्माण करता ये तो सारी हुई कल्पना की बातें वास्तव में यदि मुझे अंतरिक्ष में जाना है तो मुझे पहले मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी और आगे चलकर अंतरिक्ष विज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ अब बच्चों इस कविता में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ देख लेते हैं शिखर चोटी शोक पसंद नींव आधारशिला आईना दर्पण जलन पीड़ा या वेदना जुगनू रात में चमकने वाला एक कीट जिसे खद्योद भी कहते हैं मर्यादा नियम सीमा गर अगर स्वर्णिम सोने के रंग का सुनहरा गर्द धूल शक्ल चेहरा धुंध धुआ कोहरा तो बच्चों इस कविता का स्वाध्याय यही समाप्त होता है यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें